उधर नगर निगम बोर्ड की आपातकालीन बैठक हुई खत्म। सभी बड़े छोटे नाले की सफाई पर चर्चा हुई है। सफाई के लिए 30 तारीख का समय निर्धारित किया गया है। पानी सूख गए वार्ड में टैंकर से की जाएगी पानी की सप्लाई। सप्लाई पानी के पाइपलाइन के लिए जल्द बैठक होगी। सत्यव्रत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सत्यव्रत, कहा जाता है बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते मॉनसून हिट कर गया, उसके बाद बैठक बुलाई गई है साफ सफाई नाली की सफाई व्यवस्था को लेकर। तो देखिए, इससे पहले भी नगर निगम के द्वारा जो है वो रांची शहर में जितने भी बड़े और छोटे नालियां हैं उसकी सफाई चल रही थी, लेकिन जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो फिलहाल नहीं दिख रहा था। जैसे ही महज कुछ घंटे की बारिश हुई है, रांची शहरों पर आप देखेंगे कि जो नाले का कचरा है वो सड़कों पर है और सड़कों की जो गंदी पानियां हैं वो लोगों के घरों में जा रही है, और यही कारण है कि इन्हीं समस्याओं को लेकर रांची नगर निगम वार्ड क्षेत्र के जितने पार्षद हैं उन्होंने ये आह्वान किया था कि जल्द से जल्द एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। और रांची नगर निगम में एक आपातकालीन बोर्ड की बैठक बुलाई गई जिसमें मुख्य रूप से रांची शहर में जो पेयजल की समस्या हो रही है उसको लेकर बातचीत चर्चा की गई, साथ ही जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की गई। 30 तारीख तक का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है कि जितने भी रांची शहर में बड़े और छोटे नालियां हैं उसकी सफाई कर ली जाए ताकि मानसून के दौरान जो सड़कों पर जो नालियों की पानी बहती है वो नहीं देखने को मिले और प्रॉपर सफाई व्यवस्था हो। आपको पता है तारीफ की डीसी कंपनी के द्वारा जो है वो रांची में सफाई की जिम्मा की व्यवस्था संभाली गई थी, लेकिन निगम ने उसे टर्मिनेट कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, और उसके बाद से रांची शहर में जो साफ सफाई की जो व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। निगम अपने बदौलत जो है वो शहर की सफाई व्यवस्था में लगा है, लेकिन आप देखेंगे कि रांची शहर में कई जगहों पर आपको कचरे का अंबार देखने को मिलेगा, नालियां जो है वो गंदी है। वैसे में आज जो महत्वपूर्ण बैठक की गई उस पर वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो रखी है, और निगम के अधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया है कि 30 तारीख तक रांची शहर में जितनी भी छोटी बड़ी नालियां हैं उसकी सफाई कर ली जाएगी ताकि बरसात के मौसम में कचरे के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं वो नहीं फैले। तारीफ चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक में जो निर्णय लिए हैं वो जमीनी स्तर पर देखने को मिले। सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।